हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। हम लोग आए हैं अमृतसर पंजाब गोल्डन टेम्पल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय। गाइस, यहाँ पर एंट्री करने से पहले हमको ये सर ढकना कंपलसरी होता है, तो हम लोगों ने ढक लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एंट्री ली और जो हमारा नज़ारा था गोल्डन टेम्पल का, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था गोल्डन टेम्पल। को अंदर जाने के लिए जो है चार दरवाजे होते हैं यहाँ पर, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अंदर जाने के लिए। और ये मेन गेट होता है जहाँ से आप जो है मेन गुरुद्वारा में एंट्री लेते हो। चुप न हो वही रहा भुख न उतरी। यहाँ पे कहा जाता है कि जो डोनेशन होता है वो आपका पैसा नहीं होता है, बल्कि जो डोनेशन होता है वो आपका टाइम होता है, जो आप यहाँ पे वॉलंटियर करके अपना टाइम देते हो। यहाँ पे जो भी चीज़ें, जो भी लंगर होता है वो 24/7 रहता है, और इसमें सभी वॉलंटियर कर सकते हैं। जो हम लोग होते हैं, जो जाते हैं वहाँ पे टूरिस्ट, वो भी वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की खाना बनाने में, या जो भी बर्तन होते हैं उनको वॉश करने में। ये लंगर जो होता है वो 24 आवर्स चलता रहता है कंटिन्यू, और जो इसको हैंडल करते हैं वो सभी वॉलंटियर्स और नॉर्मल पीपल होते हैं। सो गाइस, ये था हमारा गोल्डन टेम्पल का एक्सपीरियंस, और सच में बहुत 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 अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ जाकर। वहाँ के सभी लोग इतने हेल्पफुल थे वहाँ पर, और सभी जो आए हुए लोग थे वो भी आगे रहकर जो है वॉलंटियर कर रहे थे, हाथ बटा रहे थे लोगों का, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, जो देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। गाइस, आप सब लोग भी ज़रूर जाइएगा गोल्डन टेम्पल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सहस्यान पालक होए ता एक न चले नाल।